नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से आ गया हूं आपके लिए कुछ बेहद ही डरावनी कहानियां लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां पसंद आएगी। तो आप बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये कहानी है तीन ऐसे माफियाओं की जिनके नाम से पूरा शहर खौफ खाता था। और एक रात इनको पता चला कि इनके शहर में ही एक घर में ढेर सारा ड्रग्स छुपा के रखा हुआ है और वो घर जंगलों के बीच में है। तो अब देरी किस बात की थी। वो तीनों अपनी कार निकालते हैं और उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो उस घर में पहुंच जाते हैं। वो वहां पे दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर वहां एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है और वो तीनों उसके माथे पे बंदूक रख देते हैं और कहते हैं, जहाँ भी ड्रग्स है, जितना भी ड्रग्स है, सब ईमानदारी के साथ हमें दे दो, वरना हम वैसे तुम्हें मार के भी ले सकते हैं। तो हम मारना नहीं चाहते तुम्हें। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तुम मेरी बात समझ गए होगे। और वो बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे उन्हें अंदर आने का इशारा करता है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। और वो तीनों कहते हैं कि अब बता दो कहाँ है ड्रग्स। जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इतनी जल्दी किया है, मैं सारे ड्रग्स तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ अंदर तो चलो। वो तीनों उस बूढ़े आदमी के साथ अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे कॉफिन रखे हुए हैं और ये देख के उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और वो बूढ़ा आदमी उसमें से एक कॉफिन खोलता है और वो जब कॉफिन खोलता है तो उसमें एक लाश रखी थी। और वो तीनों उस लाश को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लाश किसकी है, क्या तुम कोई चलाकी करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी चलाकी चल रही है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं इसकी सज़ा तुम्हें मौत से दूंगा। जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे नहीं नहीं, हमें मत मारो, मैं बहुत बुज़ुर्ग आदमी हूँ ना, बुज़ुर्ग आदमी को मारना ठीक नहीं है। लेकिन क्या तुम इसकी कहानी जानना चाहोगे, कौन है ये। वो तीनों आदमी कहते हैं, चलो अच्छा बता दिया तुमने, ठीक है बताओ कौन है ये। इसका नाम स्टुअर्ट है, ये एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। एक रात जब ये अपने घर आ रहा था तब इसने देखा कि एक गली में कुछ बदमाश एक आदमी को मार रहे हैं। और कुछ ही देर में देखते देखते ही वो सारे बदमाश उस आदमी में चाकू घुसा देते हैं जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। और ये सब देख के स्टुअर्ट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन पुलिस को बुलाने की जगह वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अपने सामने एक कत्ल होता हुआ देख अब उसकी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे हमेशा से वही आदमी नज़र आने लगा जिसका कत्ल उन चारों बदमाश ने किया था। और वो हमेशा स्टुअर्ट को कहता था, तुम मुझे बचा सकते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया, तुम मुझे बचा सकते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया। और स्टुअर्ट को ये आदमी हमेशा नज़र आने लगा। स्टुअर्ट इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो उस आदमी से एक बार कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते तुम, क्या चाहिए तुम्हें। जिसके जवाब में उस मरे हुए आदमी की आत्मा कहती है कि उन चारों को मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए। और स्टुअर्ट इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो उस आदमी की बात मान लेता है। और उन चारों आदमियों का जो कि बदमाश थे जिन्होंने उस आदमी का मर्डर किया था उनका पता लगाता है और उन्हें ये कहकर बुलाता है कि मेरे पास ढेर सारे ड्रग्स हैं और मैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। और ये कहकर वो उन चारों को एक कब्रिस्तान में ले आता है जहाँ पर उस आदमी की कब्र थी। और जब वो चारों उस कब्रिस्तान में कदम रख देते हैं स्टुअर्ट वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। और उन चारों बदमाशों को कुछ समझ नहीं आता और वो स्टुअर्ट के पैर में एक गोली मार देते हैं। और फिर वो स्टुअर्ट पे गन पॉइंट करके उसे भी मारने ही वाले थे तभी अचानक से उस आदमी की कब्र से एक आवाज़ निकलती है।
और वो चारों देखते हैं कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था उसकी सड़ी हुई लाश अपनी कब्र से बाहर निकलती है और उन चारों के दो टुकड़े कर देती है। स्टुअर्ट घायल पड़ा था और फिर वो मरी हुई लाश उस स्टुअर्ट के पास आती है और कहती है कि तुम मुझे बचा सकते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं बचाया और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे श्राप के साथ जीना पड़ेगा। और ये कहकर उस आदमी की आत्मा गायब हो जाती है। फिर स्टुअर्ट पागल हो जाता है और उसे पागलखाने में भर्ती कर दिया जाता है। और अब वो तीनों माफिया कहते हैं कि बस बुड्ढे, बहुत कहानी सुना ली तूने, चल अब सीधे सीधे ड्रग्स दे कहाँ पे रखे हुए हैं। जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है, सब्र करना नहीं आता शायद तुम्हें। और ये कहकर वो एक और कॉफिन खोलता है जिसमें एक और लाश रखी थी। और वो तीनों माफिया पूछते हैं कि अब ये किसकी लाश है। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि इसका नाम जैक है, कई सालों पहले जैक शहर में लोगों का कत्ल किया करता था, उसके हाथों न जाने कितने मासूम लोगों की मौत हुई थी। वो हमेशा गरीब और कमज़ोर लोगों को लूट लेता था। उसकी दहशत इतनी थी कि वो पूरे मीडिया में फैला हुआ था लेकिन एक मखोटा इस्तेमाल करने की वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता था, उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। एक दिन वो न्यूज़ में अपने आप को ही देख रहा था जिसमें उसी के बारे में बताया जा रहा था कि वो कितना बेरहम है और कितना ख़तरनाक भी। और वो ये सब देख के खुश हो रहा था कि अब वो फेमस हो रहा है। और वो एक रात फिर से अपने काम को अंजाम देने के लिए बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल होगी, उसके हाथ में एक महंगा फ़ोन है और ये सोचकर उस लड़के पे अटैक कर देता है और उसे नॉकआउट करके उसका सारा पैसा और मोबाइल फ़ोन ले लेता है। और अगले दिन जब ये न्यूज़ टीवी पर आती है तब उस लड़के की माँ का इंटरव्यू होता है जिसमें उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैक को थोड़ा सा डर लगता है इस बात से, लेकिन वो तो था ही एक दरिंदा, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ ऐश करनी है और उसे के लिए उसे भले ही लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े। वो वापस से अपने काम पे निकल जाता है और मासूम लोगों को मारने लगता है और ढेर सारे पैसे लूट के वो वापस से अपने घर आ जाता है। और फिर सुबह सुबह जब वो कहीं जा रहा था तभी अचानक से उसके हाथ पैर जम जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि कई सारे डीमंस रोड पर घूम रहे हैं। और उसी के सामने एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद एक एंजल आती है और उस कार ड्राइवर की सोल को अपने साथ ऊपर ले जाती है और वहीं पे एक दूसरे इंसान की सोल को एक डीमन ले जाता है। ये देखकर जैक की रूह कांप जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब रात का समय हो जाता है, जैक ये सब चीज़ें देख के हैरान और परेशान हुए जा रहा था और रात में वो एक गली में डर के मारे घुस जाता है और वो देखता है कि उसी लड़की की माँ जिसका कत्ल कुछ ही दिनों पहले जैक ने किया है वो अंधेरी गली में खड़ी है और वो कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैक को पता चल जाता है कि उसकी माँ को काला जादू आता है जिसकी वजह से जैक का शरीर अब धीरे धीरे खराब हुए जा रहा है। उसकी माँ ने कुछ ऐसा काला जादू कर दिया है जिसकी वजह से जो चीज़ उसके बेटे की बॉडी के साथ होगी वही जैक के साथ भी होगी। और उस लड़के की माँ हंसते हुए कहती है कि जाओ जल्दी जाओ, मेरे बेटे का आज पोस्टमार्टम होने वाला है। और ये सुनकर जैक के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो उसी हॉस्पिटल में भागता है जहाँ वो देखता है कि उस लड़के की बॉडी का पोस्टमार्टम होने वाला है और वो कहता है कि इस बॉडी को मत छेड़ो, इस बॉडी को मत छेड़ो। और डॉक्टर्स को लगता है कि ये पागल है जिसकी वजह से कुछ वार्ड बॉयज उसे पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। और जैसे ही डॉक्टर्स उस लड़के का पोस्टमार्टम चालू करते हैं जैसे जैसे वो शरीर पे चीरा लगाते हैं वैसे वैसे जैक के शरीर पे भी चीरा लगने लगता है और खून बहने से
बहुत ही दर्दनाक मौत जैक मर जाता है। और अब तीनों माफिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ओ बुढ़े, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, हाँ कब से तू हमारा टाइम वेस्ट किए जा रहा है, तेरी कहानियों में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा क्या, हमें हमारा ड्रग्स दे दे, हम जा रहे हैं यहाँ से, वरना हमें पहले बता दे, हम टाइम वेस्ट ना करें, हमारी मैगजीन वैसे भी फुल पड़ी है, बोल क्या करना है। जिसके जवाब में वो बूढ़ा आदमी कहता है कि रुक जाओ थोड़ा तो सब्र करो, अभी एक कॉफिन और खोलें, कॉफिन खोलूं। और वो बूढ़ा आदमी ये कहकर एक और कॉफिन खोलता है जिसमें एक और आदमी की लाश थी। और वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, इसे जानते हो, इसका नाम है, जिसका नाम है जेफ, ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसने अपने हाथों से कई खून किए थे, इसने इतने खून किए थे जिसका कोई हिसाब नहीं, एक बार इसे एक अपना दुश्मन मिला रास्ते में, जिससे बहुत गहरी दुश्मनी थी इसकी, इसने उस अपने दुश्मन का वहीं कत्ल कर दिया, और तीन माफियाओं ने इसका कत्ल कर दिया। और ये बात सुनते ही उनके तीनों के पसीने आ जाते हैं, क्योंकि जेफ का मर्डर और किसी ने नहीं, उन्हीं तीन माफियाओं ने किया था। वो इस बात को समझ जाते हैं कि बूढ़ा आदमी कुछ ज़्यादा ही चालाक है और ये फंसा सकता है उन तीनों को, इसलिए वो उसके सर पे गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि चल बुढ़े, अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना तू हमारे खिलाफ गवाही दे देता, हम तो पकड़े जाते। और वो एक गोली फायर कर देता है उस बूढ़े आदमी की तरफ, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कुछ नहीं होता, ये देख के वो तीनों माफिया चौंक जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ओहो, तुम लोगों में भी दिमाग नहीं है, ये देखो मेरे पास तीन कॉफिन और हैं, चलो इन्हें खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, देखना चाहोगी, अरे यार घबराओ मत, ड्रग्स है इसमें तुम्हारे, हाँ ड्रग्स, खोलो इनको, तीनों को खोलो। और वो तीनों माफिया उन बाकी बचे तीन कॉफिनों को खोलते हैं, और वो जो देखते हैं, उन्हें देख के उनकी रूह कांप जाती है, वो देखते हैं कि उन्हीं की लाशें उस कॉफिन में बंद है। और ये देख के उन तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी कहानियाँ सुनाई इन लोगों की, तुम्हें क्या चीज़ कॉमन लगी, मेरे को इस बारे में जवाब दो। जिसके जवाब में वो तीनों माफिया घबराते हुए कहते हैं कि तीनों ने पूरी ज़िंदगी गलत काम की है। और वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है और तुमने कौन से अच्छे काम किए, हाँ मैं बताना भूल गया, जब तुमने इसको मारा तभी वहाँ पुलिस आ गई थी और तुम्हारा भी एनकाउंटर वहीं हो गया था, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि ये तीनों की मौत अलग अलग जगहें अलग अलग वक्त हुई थी, लेकिन इनकी लाशें मेरे पास कैसे आई। जिसके जवाब में वो तीनों कहते हैं कि हमें क्या पता तुम हो कौन। और वो बूढ़ा आदमी हंसता हुआ कहता है और ऐसा कहते ही वो पूरी जगह आग में जलने लगती है। और फिर उन तीनों को पता चलता है कि वो तीनों मर चुके हैं और वो अब आ चुके हैं हेल में, जिसका राजा है लूसीफर सैटन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानियाँ पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ टाइम लगेगा, लेकिन आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है, इसलिए सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।